नमस्कार, मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बैंकों में पड़ी हजारों करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि की सबसे बड़ी वजह है लावारिस पड़े इन पैसों का, या तो कोई वारिस नहीं या फिर जरूरी कानूनी दस्तावेज न होने की वजह से ये पैसे सही हाथों में नहीं पहुंचते। आज हम जानेंगे क्या है वसीयत और नॉमिनेशन की अहमियत, विल प्लानिंग का सही तरीका क्या है और नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी है। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। पंकज जी और अनिल जी, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा ये मुद्दा कि किस तरीके से हजारों करोड़ की जो रकम है लावारिस पड़ी हुई है, उसका कोई वारिस नहीं है। आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान की शुरुआत भी की और एक कॉमन पोर्टल बनाने का भी जिक्र किया गया है, जहां पर एक जगह आकर ही लोग अपने अनक्लेम्ड अमाउंट के बारे में जान सकते हैं और उसको सही जगह से निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस समस्या की थोड़ी जड़ पर जाना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वजह होती है अनक्लेम्ड मनी की, क्यों इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में, शेयर के रूप में, इंश्योरेंस में, जिसके वारिस का कोई अता पता नहीं है। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे समझूं, अगर अनक्लेम्ड मनी की जब हम बात कर रहे हैं, ये अचानक से चर्चा में आया कि हजारों करोड़ की रकम का कोई करता धरता ही नहीं है, मतलब इसके पीछे एक पुअर प्लानिंग हम मान सकते हैं, मतलब वैसी पुअर प्लानिंग जिसमें आपने अपने पैसे, आपके जाने के बाद आपके पैसों का कौन रखवाला होगा, आपने उसकी कभी चिंता ही नहीं की, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना वसीयत बनाने के पीछे, ना नॉमिनेशन रखने के पीछे, ये एक बड़ी वजह है इतने बड़े रकम के इकट्ठा होने की। स्वाति नमस्कार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, पर इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली वजह तो यह है कि फैमिली मेंबर्स के में आपस में इस बात पर डिस्कशन ना होना, तो यानी कि किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन फैमिली मेंबर्स को बताया नहीं इस बारे में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है, नॉमिनेशन है भी लेकिन अगर पता नहीं है तो क्लेम कैसे करेंगे। तो एक समस्या तो यह है कि फैमिली में डिस्कशन नहीं होता है कई बार, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरी बात होती है कि नॉमिनी बनाया लेकिन नॉमिनी की मृत्यु पहले ही हो गई उस व्यक्ति से भी जिसकी मृत्यु बाद में हुई है, तो यानी कि जो होल्डर था उस डिपॉजिट का या इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसकी मृत्यु से पहले ही नॉमिनी की डेथ हो गई, तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से कि नॉमिनेशन जो है वो इनवैलिड हो गया, मतलब कि नॉमिनेशन है ही नहीं फिर उस हालत में वहां पर, तो वो एक अलग वजह है। और उसके अलावा एक ऐसी वजह है कि जहां पर नॉमिनी नहीं है ये पता भी चल गया और किसका पैसा उसे मालूम है, वो चाहता है कि कोई व्यक्ति छोड़ के गया है, लेकिन जो प्रक्रिया है इसमें इतनी डिफिकल्ट है, जहां पर नॉमिनेशन नहीं है, विल नहीं है, कई बार लगता है कि पैसा छोटा है तो शायद जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना खर्चा करना पड़ेगा, शायद उससे अच्छा है कि भूल जाओ, या फिर पैसा बड़ा भी होता है लेकिन प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है, वो भी एक वजह होती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये अमाउंट जो है इतना बड़ा इकट्ठा हो गया है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली अनिल जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं कि हमें कहाँ निवेश करने हैं पैसे, हमें पूंजी कैसे इकट्ठा करनी है, लेकिन ये जो एक इतना महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसको हम विल प्लानिंग बोलते हैं, उस पर शायद ही कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपके एक्सपीरियंस में आपने कितने लोगों को देखा है आपसे डिस्कस करते हुए कि मुझे विल बनाना है, मुझे विल प्लानिंग करनी है, और यूजुअली कौन से एज के लोग ज्यादा विल प्लानिंग करते हैं? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जब आप थोड़ा 60 के पार चले जाते हैं तब लोग सोचते हैं चलो अब वसीयत बनाते हैं, जबकि हकीकत में कहा जाता है कि जैसे आपकी संपत्ति इकट्ठा होनी शुरू हो तब से आप विल बनाने शुरू कर दो, क्योंकि उसको बाद में बदला जा सकता है। तो कैसा है विल प्लानिंग का इंडियंस के प्रति रवैया? आप ये पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं जो हमसे खुद आके कहते हैं कि भाई हमारी सक्सेशन प्लानिंग या विल प्लानिंग कर दो, वो नंबर तो बहुत ही छोटा है, लेकिन एज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जब भी हम किसी क्लाइंट के पैसे को निवेश करने के बारे में उसको राय दे रहे हैं, उसका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं,
तो जो भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर्स हैं या जो एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट्स के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखें। और पहले तो ये कोशिश करें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो जिसमें नॉमिनी ना हो या ज्वाइंट ना हो, चाहे वो बैंकों में डिपॉजिट है, चाहे पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं या लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं। हर जगह प्रावधान होता है कि आप ज्वाइंट भी रख सकते हैं और साथ में नॉमिनेशन भी करा सकते हैं। तो पहले तो ये हो गया कि भाई ये जरूर करा दें। फिर उसके बाद यह है कि उसके अलावा आप अपने क्लाइंट्स को बता के कि एक विल बनाना भी बहुत जरूरी, एक इम्पॉर्टेंट उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक वसीयत बनाए और जिसमें वो अपने हिसाब से किस किस को वो चाहते हैं कि अपने परिवार में क्या क्या किस किस चीज का हिस्सा मिले, उसको वो डिस्कस करके वो बनाए, उसमें हम उनकी मदद करते हैं। और साथ में एक बात और भी है कि अगर आप विल बना ली आपने जब आपकी उम्र 35, 40, 45 साल की है, तो बहुत ये एक जरूरी हो जाएगा कि कुछ सालों के बाद शायद उसमें आपको बदलाव करने पड़े, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो एक बात तो सबको पता होनी चाहिए कि जो विल बनाते हैं आप उसको कभी भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार विल बनाई तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन विल बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी जो दारोमदार है वो हमने ये देखा है कि क्लाइंट्स खुद से जो आके बोलते हैं वो तो मुश्किल से 10-15% होते हैं, लेकिन हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और स्वाति, आपको यहाँ पे बताएं हम कि एज ए फाइनेंशियल प्लानर जब भी हम मीटिंग करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो हम मीटिंग करने से मना कर देते हैं अगर वो अपनी वाइफ को साथ में लेके नहीं आते, या नहीं, या पहली मीटिंग में नहीं लाए तो दूसरी मीटिंग में लाके, ताकि उनको सारी चीजें समझा दी जाए कि कहाँ कहाँ आपकी फैमिली के पैसा हमने कितना प्रोविडेंट फंड में है, कितना इंश्योरेंस पॉलिसीज में है, कितना म्यूचुअल फंड्स में है, कहाँ पे कौन ज्वाइंट होल्डर है, कहाँ पे कहाँ नॉमिनी है, और अगर बाद में कभी पैसे क्लेम करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। ये सारी जानकारी जो है, ये जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, उनकी ज्यादा ड्यूटी बनती है कि वो उनको बताते हैं और उनको विल भी बना के देते हैं। वो विल बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है, और आजकल तो सरकार ने बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते अगर नॉमिनेशन ना हो, इसी तरह से बैंकों में आप नया अकाउंट खोल ही नहीं सकते अगर नॉमिनेशन ना हो। लेकिन जैसे पंकज जी ने कहा कि नॉमिनेशन तो कर दी, लेकिन अगर बताया नहीं उसके बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को, वो बहुत जरूरी है कि एक ओपननेस, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए, एक पूरी इसकी डिटेल लिख के किसी कॉपी डायरी में या किसी नोट्स में, अपने डिजिटल नोट्स भी बन जाते हैं आजकल फोन पे या लैपटॉप पे, और उसकी जानकारी पूरी जो है हस्बैंड वाइफ दो एक दूसरे को, और उसके बाद जो बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, जो एडल्ट बच्चे हैं, उनको भी अगर जानकारी दे दी जाए, तो फिर इस चीज का अंदेशा बहुत कम हो जाता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। इतनी मेहनत से जो आपने पैसे जोड़े हैं, ऐसा ना हो कि अनक्लेम पड़े रह जाएं, अगर आपने जानकारी सारी अच्छे तरीके से सिलसिलेवार किसी कागज पे या कहीं नोट करके और उसको शेयर की हुई है, और अगर विल बना ली है फिर तो आपका काम एकदम पक्का हो गया। फिर तो यह है कि जो भी आपके वारिस हैं वो डेफिनेटली सारी के सारी आपकी जो एसेट्स हैं, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको एक एक करके क्लेम कर लेंगे अपने हिसाब से और बांट लेंगे जैसे विल में लिखा है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है, और आपने सही बोला कि अपने आप से हमें आके लोग बोले कि हमारी विल बना दो, ये बहुत कम होता है। और जब हम पूछते हैं कि क्या आपने विल बनाई हुई है, तो 10 में से 9 लोग तो हमारी शक्ल देखते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम हमारी उम्र ही नहीं हुई, हम अभी से हम विल बनाने की बात करें। थोड़ा बिल्कुल सा सर, बिल्कुल सोसाइटी सर, में आपने बहुत इम्पोर्टेंट बोला। मैं इनफैक्ट अभी तक आपने जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट बोले हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन और आगे बढ़ाती हूँ, कि यही वजह हो जाती है कि जब हम नॉमिनेशन या फिर विल प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद ऐसा इतनी अनक्लेम राशि इकट्ठा हो रही है। और अब ट्रेंड बदल रहा है, जैसा जिक्र किया कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन सितंबर से अनिवार्य होने जा रहा है, आपको देना है नहीं देना, आपको देना, आपको बताना पड़ेगा, और बैंकों में भी, तो धीरे धीरे करके बदलेगा ये। लेकिन अब तक जितना हो चुका है उसको कैसे ठीक किया जाए। पर जब वसीयत हम बनाते हैं पंकज जी, उसमें जो विटनेस है ये समझना जरूरी है कि जो पूरा प्रोसेस है पूरे वसीयत बनाने का वो कितना इम्पोर्टेंट है। कौन साथ में होना चाहिए, गवाह कौन हो, किस पे भरोसा किया जाए, क्योंकि कभी कोई भी पलट सकता है, क्योंकि मामला जब पैसे का आ जाता है तो कभी कोई सगा नहीं रहता है। हमने बहुत सारे केसेस में देखना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो गवाह की अहमियत क्या है इसमें, किसको रखना चाहिए? स्वाति जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, आपने जो भी विश है उसको एक प्लेन पेपर पे आप लिख देते हैं, और दो विटनेसेस की
प्रेजेंस में जो बिल लिख रहा है, जिसे हम टेस्टेटर कहते हैं, वो उसे साइन करता है और उसमें एक एग्जीक्यूटर है, तो ये वैलिड बिल मानी जाती है। मतलब बिल का ना तो कोई फिक्स फॉर्मेट है, ना ही आपको स्टैम्प पेपर पे बिल लिखने की जरूरत है, और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो क्योंकि हर व्यक्ति तो चाहता ही है कि मेरे जाने के बाद मेरे चाहे गले में चेन है सोने की या मेरी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, तो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जाने के बाद किसको मिले ये। लेकिन जब तक आपने लिखी नहीं वो बात, तो विश है, और आपने पेपर पर लिख दी और जैसा मैंने कहा कि दो विटनेसेस की प्रेजेंस में उसको साइन कर दिया गया, तो वो एक वैलिड बिल बन जाती है। और यहां पर एक एग्जीक्यूटर भी रखना जरूरी है। एग्जीक्यूटर वो होता है कि जब उस व्यक्ति की जिसने बिल लिखी है, जिसे हम टेस्टेटर कहते हैं, जब उसकी डेथ होती है, तो डेथ के बाद कौन बताएगा कि ये विल है और उसको एग्जीक्यूट करना है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इंडिया में विल की प्रोबेट मैंडेटरी है, प्रोबेट का मतलब होता है कि वो विल जो है वो कोर्ट में जमा होगी, कोर्ट जो भी लीगल एयर्स हैं उनसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा कि भाई ये सच में जेन्युइन विल है कि नहीं है, और जब किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो वो विल को सर्टिफाई करके देंगे डेथ के बाद, इसको हम बोलते हैं प्रोबेट ऑफ विल, और उसके बाद ये विल एग्जीक्यूट होगी। अब यहां पर जो आपने बात बोली थी कि कोई भी सगा नहीं होता है पैसे के मामले में, तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि किसको आप विटनेस बना सकते हैं या किसको एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, बट मेरी राय यह है कि विल में विटनेस उसको बनाइए जिससे जिसको उस विल से कोई फायदा या नुकसान ना होने वाला हो। क्योंकि अगर आपने घर के किसी व्यक्ति को बनाया और उसको पता है, क्योंकि विटनेस वो था, साइन उसके सामने हुए हैं, उसने पढ़ी है विल, उसको पता है मुझे फायदा नहीं होने वाला है, तो कल को मुकर ना जाए बाद में और बताए नहीं कि ऐसा विल जेन्युइनली थी। तो इसके लिए आपका कोई नजदीकी हो बट जिसका कोई क्लेम ना हो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको विटनेस बनाना बेहतर रहेगा। और इसी तरह से मैंने जैसे कहा कि एग्जीक्यूटर, क्योंकि एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति है जिसको पता है कि विल लिखी हुई है, क्योंकि जब आप विल लिखते हैं तो बेशक आप विल के बारे में बताएंगे तो नहीं अपने उन लोगों को जिनका जिनको उससे कुछ मिलने वाला है, तो लेकिन किसी को तो पता होना चाहिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपका क्लोज फ्रेंड हो, लॉयर हो, और आजकल तो प्रोफेशनल्स भी इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके विल में एग्जीक्यूटर बन सकते हैं, तो एग्जीक्यूटर जो होगा वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने विल लिखी है उसकी डेथ के बाद उस विल का प्रोबेट कराए और उसका एग्जीक्यूशन एज पर जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो सके। बिल्कुल, ये तो वसीयत प्लान कर ली और उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया, जिसको मिलनी चाहिए थी लीगल हेयर को मिल गई या जिस नॉमिनी को संपत्ति मिलनी है मिल गई। लेकिन जैसा हम इस केस में देख पा रहे हैं, जितना अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है अनिल जी, कई केसेस में वसीयत नहीं बनाई गई। कई जो हमारे पास सवाल आए उसमें कहा गया कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी थे वो बिना वसीयत बनाए चले गए, अब उनका जो पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में पड़ा हुआ है, FD है या बहुत सारा जो संपत्ति है उसको हम कैसे लें अब, तो वसीयत ना बनाए तो क्या होगा? तो उसमें जो सक्सेसर्स हैं, लीगल सक्सेसर्स हैं, लीगल हेयर हैं, वो पैसा ले कैसे सकते हैं, क्या मुश्किलें पेश आती हैं? हाँ देखिए, जैसे पंकज जी ने भी इसका थोड़ा जिक्र किया था कि अगर बिना वसीयत के कोई इंसान चला गया इस दुनिया से और बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तरह तरह के उसके म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, और नॉमिनेशन कल भी रखा है, अगर उसके बावजूद भी हमें पता होना चाहिए कि जो नॉमिनी है वो तो सिर्फ ट्रस्टी होता है। अगर किसी के 3 बच्चे हैं, एक को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी जो संपत्ति उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की है वो उस नॉमिनी को मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्वाति जरूरी हो जाता है कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं, वो स्पाउस हो गए और बच्चे हो गए, वो सभी को मिलके सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है लोकल कोर्ट में जाके, और सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कंबरसम है, लेकिन वो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको उस पैसों को बंटवारा नहीं करेगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो शेयर्स का डीमैट में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जितने भी लीगल एड्स हैं उन सबको मिलके एक वकील अपॉइंट करके, और उसमें उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने, और वहां पे, और ये फिर सारे अपनी अपनी एफिडेविट देते हैं कि हम लोग ही इस इन इनके जो चले गए हैं, हम इनके लीगल वारिस हैं और हमारे अलावा और कोई वारिस नहीं है,
और उसको फिर कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करके एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें उन सबके नाम लिखे जाते हैं, उनके हिस्से लिखे जाते हैं कि एक चौथाई या चार लोगों का या पांचवा हिस्सा है पांच लोगों का, और उसको लेके फिर जो है आप जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे डेथ सर्टिफिकेट प्लस ये सक्सेशन सर्टिफिकेट की कॉपी देके फिर आप अपनी डिपॉजिट्स को या इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना, और बहुत सारे ऐसे आजकल प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम में मदद करते हैं क्योंकि इसमें कुछ कागजी कार्रवाई होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि आजकल जो लीगल हेयर्स हैं वो दुनिया के कोने कोने में फैल गए हैं, कोई भाई चला गया ऑस्ट्रेलिया, कोई बहन चली गई अमेरिका, कोई रहता है चेन्नई में, कोई मुंबई में, उन सबको इकट्ठा होना पड़ता है एक जगह, और एक जगह एक ही दिन फिक्स करके और कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने सबको अपना एफिडेविट वहीं पे साइन करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया है, इसको पूरी करके जो है आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को आराम से क्लेम कर सकते हैं। ये हो जाता है तब जब वसीयत ना हो, लेकिन इस सब झंझट से बचने के लिए तो स्वाति आपने जो आज प्रोग्राम रखा है वो यही है कि वसीयत बना ले, नॉमिनी वगैरह ठीक से कर ले ताकि ये सारी दिक्कतें जो हैं बाद में ना आए आपके वारिसों को। हाँ बिल्कुल, जितना जरूरी है अपने रहते हुए अपने पैसों को संजोकर रखने का, निवेश को बढ़ाने का, उतना ही जरूरी है ये भी सोचना कि आपके बाद उसी संपत्ति को जिसने आपने इतनी मेहनत से बनाया है वो किसके हाथ में जाएगी, उसका रखवाला कौन होगा। तो इसलिए विल प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉमिनेशन करना इतने इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं विल प्लानिंग की अहमियत की, समझना जरूरी है विल प्लानिंग, नॉमिनेशन करना क्यों जरूरी है जिससे कि आपकी जो संपत्ति है वो अनक्लेम्ड ना रह जाए और सही हाथों में पहुंचे। हमारे साथ पंकज मटपाल है और अनिल चोपड़ा से हम कर रहे हैं खास चर्चा। पंकज जी, कई लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, वो जानना चाहते हैं कि कईयों के, जैसे कि एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा कि उनके जो फादर हैं वो नहीं रहे, उसके बाद उनके जो फिक्स डिपॉजिट्स थे उसमें किसी को नॉमिनी नहीं बनाकर गए, 1997 की बात ये बता रहे थे, तब वो देश के किसी एक शहर में रहते थे, उसके बाद वो चले गए कोलकाता, वहां पर जब अब वो क्लेम करना चाहते तो वहां पर वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं उस मनी को। तो जैसा कुछ समय पहले असल में अनिल जी कह रहे थे कि एक समय के बाद बच्चे या जो परिवार है वो इधर उधर कहीं चले जाते हैं, कोई देश में कोई विदेश में चला जाता है, वहां पर ये तकलीफ बहुत ज्यादा होती, दिक्कत जरूर पेश आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल किसी एक शहर के थे वो दूसरी जगह पर वैलिड नहीं माने जाते हैं। तो ऐसी दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल पर जिसकी वजह से परेशानियां पेश आ रही है, और क्या किया जाना चाहिए ऐसे मैटर्स में? बिल्कुल, देखिए दिक्कतें तो हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी जानकारी होगी तो उतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। पहली बात यह, जैसा कि अभी आपने कहा कि दूसरे शहर में है, आप किसी भी शहर में हो, आजकल सभी, अगर आप बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक डिपोजिट की बात कर रहे हैं, तो बैंक सभी कोर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी ब्रांच से आप बैंकिंग सर्विस अवेल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बैंक की, चाहे वो इंडिया की बात करें या इंडिया से बाहर बात करें। यदि हम किसी बैंक की बात करें जो इंडिया में है, उसकी ब्रांच अब्रॉड में है, वहां पर भी आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कहना कि जिस जगह अकाउंट खोला गया था ये सिर्फ किसी व्यक्ति को, किसी क्लर्क को अगर आपको सर्विस नहीं देनी है तो कह सकता है, बट रूल के मुताबिक ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अकाउंट एक्सेस कर सकता है और सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, यही कोर बैंकिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात यह है स्वाति, कई बार जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताऊंगा कि हर चीज में एक लिमिट है। जैसे कि हम अगर एफडी की बात करें या बैंक की बात करें, तो 2 लाख रुपए तक का यदि आपका कोई डिपोजिट है जहां पर नॉमिनेशन नहीं है, नॉमिनेशन है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, नॉमिनेशन नहीं है बट अमाउंट 2 लाख रुपए तक का है, तो वहां पर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, क्योंकि एडवोकेट की फीस भी है और कोर्ट में स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर 2 लाख तक का अमाउंट है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बैंक्स इस बात को एस्टेब्लिश करके कि भाई यहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और इंडेमनिटी फॉर्म लेकर, इंडेमनिटी फॉर्म मतलब इंडेमनिटी लेटर एक मतलब कि स्टैंप पेपर के ऊपर लिख के देना होता है कि अगर किसी वजह से किसी और का क्लेम आया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, बैंक की नहीं है। तो इस तरह से इंडेमनिटी लेटर सबमिट करके और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जो क्लेम कर रहा है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट की बात हो या डेथ सर्टिफिकेट हो,
वो लगाकर क्लेम लिया जा सकता है। अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है तब बेशक इस केस में 2 तरीके हैं, एक तो लीगल एयर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको तहसीलदार ऑफिस से मिलता है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी जो कर्मचारी उन्हीं को मिल पाता है, बाकी लोगों को तहसीलदार ऑफिस से आजकल नहीं मिल रहा है। तो फिर आपके पास फाइनल जो ऑप्शन है वो यही है, सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट में आपका खर्चा होगा, लेकिन फिर अगर अमाउंट बड़ा है और क्लेम करना है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, थोड़ा समय जाएगा बट वो प्रक्रिया आप चालू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे कि आपके डीमैट में शेयर्स हैं, वहां पर कोई नॉमिनी नहीं है, पुराना है, तो 15 लाख तक की लिमिट अभी सेबी ने तय कर दी है। 15 लाख तक के अमाउंट के लिए आप इंडेमनिटी लेटर दे के ले सकते हैं जी, उससे ज्यादा होगा तो फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देना होगा। जी बिल्कुल सर। अनिल जी, ये इम्पॉर्टेंट ये भी समझना हो जाता है कि वसीयत जब हम बनाते हैं तो कोई भी एक कोरे कागज पर वसीयत बनाई जा सकती है, गवाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर उनके जरूरी है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से काम एकदम पक्का हो जाता है, उसको चैलेंज करना फिर मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आपने पहले भी बात करी थी कि 2 गवाह होने चाहिए, तो उसमें भी हम सलाह ये देते हैं कि पहली बात तो गवाह जो है वो थोड़ा यंग एज के हो तो ज्यादा बेहतर है, कि पता चले कि जब वो वसीयत को क्लेम करने की बारी आई तो गवाह ही नहीं रहे, तो एक तो ये ध्यान थोड़ा रखना चाहिए कि गवाह जो है वो कंपैरेटिवली यंग हो, और दूसरा अगर एक वकील हो एक डॉक्टर हो तो वो फिर पक्की बात हो जाती है। और आपने जो बोला रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो फिर वसीयत को चैलेंज करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। जो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखी है, प्लेन पेपर पे है, फिर जो है गवाहों को बुलाया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको क्लेम करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा से सलाह देते हैं कि आप बिल बनाइए और विटनेस के साथ अपने सामने विटनेसेस से साइन कराइए और उसको एक सिंपल की प्रोसेस से उसको रजिस्टर करा लें, और ताकि जो है और फिर उसको वो फैमिली मेंबर्स को दे दें जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स हैं जिनको उससे बेनिफिट मिलना है, ताकि जिस इंसान ने वसीयत बनाई है उसके जाने के बाद किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक तरह से एक काम पक्का हो जाता है, एक लीगलाइज हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें क्लेम करने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके बिल्कुल सर। पंकज जी, एक और जो हमने आमतौर पर केस देखा है वो ये है, जैसे एक दर्शक ने हमें बताया कि उनके एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने इनके एक फैमिली के एक बच्चे के नाम पर ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड उनको नॉमिनी बनाया था। अब ऑफ कोर्स जिनकी मृत्यु हुई उनके अपने भी लीगल हेयर्स हैं, अब जब वो अब क्योंकि और वो रजिस्टर्ड नॉमिनी है जिन्होंने अपने दोस्त के बच्चों को नॉमिनी बनाया है, रजिस्टर्ड नॉमिनी, तो कायदे से मतलब नॉमिनी के पास ही पहले पैसा आएगा, दो ही इज अ केयर टेकर, अब और रिलेशन नहीं है उनका उनके फैमिली के साथ, लेकिन जब वो बैंक के पास गए इस अमाउंट के क्लेम करने के लिए तो जो बैंक है वो कह रहा है कि हम आपको ग्रेच्युटी और पीएफ नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप इनके रिलेशन में नहीं हो, जितना मैं समझ पा रही हूँ। ये थोड़ी सी एक अलग सी दिक्कत है, क्या है ये, कैसे सुलझाया जा सकता है ऐसा मामला? स्वाति जी, ऐसा है कि हमारे इंडिया में हर प्रोडक्ट के लिए अलग रूल है। यहाँ पर अगर हम बात करें सक्सेशन की, जैसा कि हम जनरली कहते हैं कि जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ ट्रस्टी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव हुआ है और इंश्योरेंस में जो नॉमिनी है वो फाइनल उसका हकदार है। लेकिन चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम ईपीएफओ की। ईपीएफओ का रूल ये है कि यहाँ पर जो आपके स्पाउस चिल्ड्रन वो आपके नॉमिनी होंगे, यहाँ तक कि अगर शादी से पहले, जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त आपने पेरेंट्स को नॉमिनी बना दिया, भाई बहन को बना दिया, लेकिन शादी होते ही वो ऑटोमेटिक नॉमिनेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको स्पाउस को ही वहां पे नॉमिनेशन बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ ईपीएफओ का रूल है, अगर डिपॉजिट होता एफडी होती तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, यहां पर ये भी कहा गया है कि यदि आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो उस केस में फिर आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। तो जो सवाल आपने पूछा कि किसी की फैमिली अगर नहीं है और उसने किसी फ्रेंड के बच्चों को नॉमिनी बनाया था वहां पर, तो बेशक उनको इस पर हक मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जैसा मैं समझ रहा हूं आपके सवाल से कि कोई बिल्कुल क्लोज रिलेटिव नहीं है
बट भाई या कोई दूसरे रिलेटिव हैं उनके, लेकिन उसने इसके बावजूद भी किसी और को नॉमिनी बनाया जो कि फैमिली मेंबर नहीं है, तो उस केस में डिस्प्यूट बिल्कुल यहां पर अराइज हो सकता है। वो जो भाई है वो अगर इस बात पर क्लेम करता है कि नहीं क्योंकि मैं सर क्लोज रिलेटिव हूं और इसलिए मुझे मिलना चाहिए, तो फिर इसमें फिर कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। और हमारे यहाँ पर क्या है, इंडियन सक्सेशन एक्ट एक चीज है, उसके बाद में रिलीजन के हिसाब से जैसे कि हिंदू सक्सेशन लॉ 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो वो सब भी यहाँ पर फिर एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो ये केस जो है अगर यहाँ पर डिस्प्यूटेड है मामला कि फैमिली मेंबर से बाहर किसी को नॉमिनी बनाया गया था और अब कोई फैमिली में स्पाउस नहीं लेकिन भाई क्लेम कर रहा है, तो शायद यहाँ पर कोर्ट का दखल देना जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, तो कई ऐसी बारीकियां हैं वसीयत से जुड़ी हुई, कई ऐसे केसेस हैं, कई इतने अनूठे किस्म के हमारे सामने केसेस आते हैं जिसको एक एक करके ले तो काफी लंबा एक प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की थोड़े अलग इसकी बारीकियां समझने की कि वसीयत क्यों बनाए, नहीं हो तो क्या हो, अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है उसमें नॉमिनी नहीं है तो कैसे ले सकते हैं, इसकी बारीकियां समझाई अनिल जी और पंकज जी आपने, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और मनी गुरु के आज के इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही।